मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2023 का मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला नंबर 5 मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ। अगर इस मुकाबले की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया और ये फैसला बिल्कुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। टीम ने अपनी ओपनिंग बल्लेबाज को जल्द ही खोया। इसके बाद टीम के लिए इस साल एक भारी रकम में शामिल किए गए खिलाड़ी को भी जल्द ही मुंबई इंडियंस ने खोया और टीम के लिए दो बड़े झटके लगे। सबसे पहला झटका ईशान किशन के रूप में था। दरअसल आपको बता दें कि ईशान किशन इस मुकाबले में केवल 10 रन ही बना सके। इस दौरान उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया। मोहम्मद सिराज ने हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर ईशान किशन को पवेलियन भेज दिया। वहीं इसके बाद कैमरॉन ग्रीन, जो कि इस साल मुंबई इंडियंस में शामिल किए गए हैं, रीस टोपली की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए और 4 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन का विकेट तीसरे ओवर में गिरा, कैमरॉन ग्रीन का चौथे ओवर में विकेट गिरा और 16 रन के निजी स्कोर पर मुंबई इंडियंस ने अपने 2 स्टार बल्लेबाजों को खो दिया। बता दें कि इसी के साथ ईशान किशन और कैमरॉन ग्रीन ट्रेंड करने लगे। फैंस लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुंबई के 2 बल्लेबाज ने 35 करोड़ रुपये टीम के गंवा दिए, यानी कि ईशान किशन और कैमरॉन ग्रीन जिस कीमत में शामिल किए गए वो कीमत मुंबई इंडियंस के लिए ख़राब हो गई। बता दें कि ईशान किशन को साल 2022 में मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। इसके बाद अगर कैमरॉन ग्रीन की बात करें तो उन्हें 17.50 करोड़ रुपए में साल 2023 के मिनी ऑक्शन में शामिल किया गया। दोनों को जोड़ दें तो करीब 35-37 करोड़ का टोटल बनता है और मुंबई इंडियंस के लिए 37 करोड़ के 2 बल्लेबाज मिलाकर भी 37 रन ही बना सके और दोनों के अगर रनों को जोड़ें तो केवल 15 रन बनाकर दोनों पवेलियन लौट गए। बहरहाल इस वक्त मुंबई इंडियंस की हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।